बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है, दैट इज़ अ नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन जी आपके सामने लिखी हुई है। इस डेफिनेशन में आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस में जी एक टोपोलॉजिकल स्पेस में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जी एक दो क्लोज सेट्स चाहिए। देखिए जी, अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी नॉर्मल स्पेस। फॉर एग्जांपल, टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास कैपिटल एक्स है और ये नॉर्मल स्पेस बन जाएगी अगर आपको दो, यहाँ पे इम्फेसाइज कर रही हूँ मैं, एक तो आपको दो सेट्स चाहिए एक्स में जो क्लोज्ड हों, जो डिसजॉइंट हों, और वो सेट्स हमें लिए ए और बी, और उनके करिस्पॉन्डिंगली आपको दो ओपन सेट्स चाहिए, दो टू ओपन सेट्स यू एंड वी। ठीक है, दो क्लोज सेट्स और दो ओपन सेट्स। और सिचुएशन ऐसी है कि पहला क्लोज सेट पहले ओपन में कंटेंड है और दूसरा क्लोज सेट दूसरे ओपन में कंटेंड है। और चूंकि हमने कहा था कि ए और बी, यहाँ डिसजॉइंट का वर्ड इस्तेमाल किया था, सॉरी यस, ए और बी डिसजॉइंट है, तो ये जो यू और वी हमने इनके करिस्पॉन्डिंगली सिलेक्ट किए हैं ये भी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी, यानी कि ए और बी भी फाई है और यू और वी जिनमें वो कंटेंट हैं वो भी एम्प्टी इंटरसेक्शन रखते हैं। अब ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जो है ये नॉर्मल स्पेस बन जाएगी अगर ऐसा होता है हर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स के लिए, क्लोज सेट्स के लिए पेयर ऑफ ओपन सेट्स आपके पास एग्जिस्ट करे। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, कौन कौन सी स्पेसेस नॉर्मल स्पेसेस होती हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस में हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी की तरफ आते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड सेट आपका कुछ भी हो तो आप ये देखिए, इसमें ग्राउंड सेट अगर आपके पास कोई भी है और उसके ऊपर आपकी जो टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, यानी कि पावर सेट ऑफ एक्स है, और आपने चेक करना है कि क्या ये नॉर्मल स्पेस है। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक एक स्टैंडर्ड सेट A1, A2 एंड सो ऑन, ये आपके पास है, आप इसमें से कोई सी दो, मैं एक बहुत एग्जांपल आपको दे रही हूँ, अब आप मतलब हर पेयर ऑफ क्लोज सेट्स के करस्पॉन्डिंग ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक इसमें से सिंगल्टन सेट निकालती हूँ A1 और एक सिंगल्टन सेट निकालती हूँ A2। ये मैंने कहाँ से लिए हैं? दीज आर द टू सबसेट्स ऑफ द ग्राउंड सेट एंड ये जो कि सिंगल्टन सेट्स हैं तो ये टोपोलॉजी में भी हैं, और एक का नाम हम ए रख देते हैं, एक का नाम हम बी रख देते हैं, और ये दो सेट्स आपको पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सेट ओपन और क्लोज साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो इनकी खासियत ये है कि ये क्लोज हैं और साइमल्टेनियसली ये ओपन भी हैं, मतलब इनका कैरेक्टर यू और वी जैसा भी है और इनका कैरेक्टर ए और बी जैसा भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ए और बी डिसजॉइंट हैं और यू और वी की नज़र से देखें तो यू और वी के करस्पॉन्डिंगली भी इनके बीइंग इन ओपन सेट ये डिसजॉइंट है एंड बीइंग इन क्लोज सेट्स ये डिसजॉइंट है। ये खुद ही क्लोज सेट्स जो हैं वो ओपन सेट भी हैं जो अपने आप को कंटेन करते हैं, यानी कि ए इज़ कंटेन्ड इन यू एंड बी इज़ कंटेन्ड इन वी। मतलब आपको यहाँ पे अलग से कोई पेयर ऑफ ओपन सेट्स अलग से यू और वी इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लोज सेट जो हैं वो साइमल्टेनियसली ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, इसलिए सेल्फ कंटेनमेंट यहाँ पे हो जाएगी। तो आपको बहुत इजीली दो क्लोज सेट्स के करिस्पॉन्डिंगली यहाँ पे दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो डिस्क्रीट स्पेस होती है वो आपके पास वो होती है नॉर्मल होती है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि कम अज़ कम आपके पास डिस्क्रीट स्पेस जिस ग्राउंड सेट के ऊपर बना रहे हैं वो ग्राउंड सेट एटलीस्ट दो एलिमेंट्स को कंटेन करे। ये मेरे ख्याल से हम जितनी भी सेपरेशन एक्सियम्स कर रहे हैं उसमें हमारी ये कंडीशन लाजमी होती है कि कम अज़ कम दो एलिमेंट्स ज़रूर हो, लेकिन मैंने आपको स्टैंडर्ड के लिए करवा दिया। नेक्स्ट आता है जी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में फॉर एग्जांपल आपका ग्राउंड सेट कुछ भी हो, आप ये देखते हैं कि आपके पास जो टोपोलॉजी बनती है उसमें सिर्फ दो ही क्लोज सेट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको दो ओपन सेट्स होते हैं, दो ओपन सेट्स वही साइमल्टेनियसली ओपन और क्लोज दोनों वही होते हैं। अब यहाँ पर आपको दो क्लोज सेट्स चाहिए, और अगर आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंड सेट में कम अज़ कम दो एलिमेंट्स भी डाल लें आप, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्लोज सेट्स सिर्फ एक्स और फाई, इनके अलावा कोई और क्लोज सेट यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ एक्स क्लोज सेट होता है या फाई क्लोज सेट होता है, इन दोनों के अलावा ओपन भी कोई नहीं है, इन दोनों के अलावा क्लोज भी कोई नहीं है।
ठीक है। तो देखिए कंडीशन में डेफिनेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी कि जो आप क्लोज सेट्स लेते हैं दैट शुड बी नॉन एम्पटी क्लोज सेट्स, ठीक है। चूँकि मैं डेफिनेशन में वापस लेके जाती हूँ आपको, ये देखिए डेफिनेशन में जब आप दो क्लोज सेट्स लेते हैं ए और बी, तो उनके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों सेट्स नॉन एम्पटी होने चाहिए, इनमें से कोई एक एम्पटी भी हो सकता है। तो ट्रिवली मतलब यहाँ पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, इसलिए दो क्लोज सेट्स में लेती हूँ, एक एक्स और एक फाई ले लेती हूँ, क्योंकि इनके अलावा कोई और क्लोज सेट यहाँ है ही नहीं, और साइमल्टेनियसली ये ओपन भी है। तो यही ओपन सेट अब इन्हीं क्लोज सेट्स को सेल्फ कंटेन कर रहे हैं। तो एक्स एक्स में कंटेन है और फाई फाई में कंटेन है। तो ट्रिविली अगर आप ये देखें तो इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होगी किसी भी सेट के ऊपर हो वो नॉर्मल स्पेस होती है, ठीक है, ट्रिविली नॉर्मल होती है। और डिस्क्रीट भी ऑलवेज नॉर्मल होती है, ठीक है, डिस्क्रीट की तो नॉर्मल होने में कोई शक नहीं है जी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने कोफिनाइट टोपोलॉजी को ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या कोफिनाइट टोपोलॉजी भी नॉर्मल स्पेस होती है। अब मैं हमेशा जब भी कोफिनाइट टोपोलॉजी कराती हूँ तो फिर जो ग्राउंड सेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वो एक इन्फिनिट सेट होता है, ठीक है। किसी भी इन्फिनिट सेट के ऊपर कोफिनाइट टोपोलॉजी डिस्कसेबल होती है, अदरवाइज फाइनाइट सेट के ऊपर ये डिस्क्रीट ही बन जाती है। तो कोई भी इन्फिनिट सेट है इस वक्त एक्स हमारे पास और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी हमने बनाई है टॉ, दैट इज़ अ कोफिनाइट टोपोलॉजी। सपोज करें कोफिनाइट टोपोलॉजी, और कोफिनाइट टोपोलॉजी में हमें पता होता है कि किस तरह के सेट्स होते हैं, जो ओपन सेट्स होते हैं फाई और एक्स के अलावा, वो सारे ऐसे होते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फनाइट है, यानी कि कोफिनाइट टोपोलॉजी में क्लोज सेट्स हमेशा फनाइट होते हैं। तो ये दो क्लोज सेट्स ले लेते हैं ए और बी, आर टू क्लोज सेट्स, ठीक है। और फिर हम सपोज कर लेते हैं कि इनके करिस्पॉन्डिंगली आपके पास दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ओपन इन एक्स और यू और वी दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये डिसजॉइंट भी है, इनके डिसजॉइंट ओपन सेट्स हमने कंसिडर करने हैं। अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में जहाँ हाउसटॉफ स्पेस यानी कि टी टू स्पेस पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने ये आपको बताया था वर्किंग करके कि कोफिनाइट टोपोलॉजी टी टू स्पेस नहीं होती, उसकी रीज़न क्या थी, कहाँ से प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है कि ये देखिए ये जो कंडीशन है ना जो आपको कहती है कि दो डिसजॉइंट, देखिए कोफिनाइट टोपोलॉजी के अंदर जो क्लोज सेट्स होते हैं ना वो हमेशा फिनाइट सेट्स होते हैं, और जो आपके पास ओपन सेट्स होते हैं वो फिनाइट कभी भी नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। ओपन सेट्स हमेशा इन्फिनिट होते हैं, ठीक है, ये दो इन्फिनिट सेट्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोफिनाइट टोपोलॉजी ऑन एन इन्फिनिट सेट पे कभी भी आप डिसजॉइंट ओपन सेट्स तलाश नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप जो ओपन सेट्स तलाश कर रहे हैं वो आपस में म्यूचुअल डिसजॉइंट हो। ये देखिए ये वाली जो कंडीशन है ना जो मैंने यहाँ पे सपोज किया है, अभी इसकी निगेशन होती है। देखिए अगर आप इस इक्वेशन की यू इंटरसेक्शन वी दोनों तरफ ज़रा कॉम्प्लीमेंट लें, यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन वी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव कॉम्प्लीमेंट एक्स होता है। अब एक्स के राइट हैंड साइड पे एक्स है, एक्स एक इन्फिनिट सेट है, राइट हैंड साइड इज एन इन्फिनिट सेट, ये बात याद रखिएगा। और लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इज यू कॉम्प्लीमेंट एंड वी कॉम्प्लीमेंट, यू वॉज एन ओपन सेट, वी वॉज एन ओपन सेट, तो यू कॉम्प्लीमेंट एंड वी कॉम्प्लीमेंट बोथ आर क्लोज सेट्स। और क्लोज सेट्स जैसे मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जो कोफिनाइट टोपोलॉजी उसकी बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोज सेट्स आर ऑलवेज फनाइट, सो यू कॉम्प्लीमेंट इज फनाइट एंड वी कॉम्प्लीमेंट इज फनाइट, द यूनियन ऑफ टू फनाइट सेट्स इज ऑल्सो फनाइट, लेफ्ट हैंड साइड इज फनाइट एंड द राइट हैंड साइड इज एन इन्फिनिट सेट। तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट एन इक्वेशन गिव्स यू द फैक्ट दैट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एन इन्फिनिट सेट एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज अ फनाइट सेट, दिस इज नॉट द पॉसिबल सिचुएशन, दैट्स वाई इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल इन द कोफिनाइट टोपोलॉजी ऑन एन इन्फिनिट सेट दैट वी कैन गेट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स। अब ये वाली जो कंडीशन है ये हमेशा के लिए इम्पॉसिबल है। तो जब भी कभी किसी भी कंडीशन में अगर आपको इन्फिनिट कोफिनाइट टोपोलॉजी में डिसजॉइंट ओपन सेट्स चाहिए होंगे तो वो कंडीशन फेल हो जाएगी कोफिनाइट टोपोलॉजी में। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि कोफिनाइट टोपोलॉजी कैन नेवर बी नॉर्मल स्पेस, ठीक है।